हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्वालामुखी के मॉडल को बनाएंगे। ज्वालामुखी कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, वो हम लोग मॉडल बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होगा हमें POP पाउडर, एक मोटी दफ्ती की शीट, कुछ पुराने रद्दी अखबार, फेविकोल, एक कोल्ड ड्रिंक की छोटी वाली बोतल, कुछ कलर्स, कैंची और टैप वगैरह। ठीक है, इस सबसे हम लोग एक मॉडल तैयार करेंगे जो वर्किंग मॉडल होगा, जिससे आपको पता चलेगा कैसे ज्वालामुखी होते हैं और कैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोतल को टेप से इस तरीके से सीट में आप उसको फिट कर लें, चिपका लें। ओके, इसके बाद आप पेपर की ऐसे गोल गोल बॉल्स बना लेंगे और उनको यहाँ पे ऐसे आप चिपकाते चले जाएंगे। ओके, फेविकोल बॉल्स को ऐसे चारों तरफ से, पेपर की बॉल्स को ऐसे चारों तरफ से उसके लगा देने हैं। ठीक है, ऐसे आप उसमें लगाते रहेंगे। लगाने के बाद पेपर की पतली पतली पट्टी काटेंगे और उसको चिपकाएंगे। मैं स्टूडेंट, इस तरीके से आप लगा लेंगे इसके चारों तरफ से पट्टियां और उसके बाद अब हम लोग POP का कार्य करेंगे। ओके, ये स्टूडेंट्स गाढ़ा गाढ़ा आप POP का पेस्ट बना लेंगे और उसको इस पे ऐसे ऐसे डालेंगे। ठीक है, इस पेस्ट को आपको इधर कागज पे पूरा गिराना है। इस तरीके से आप इस पे गिराते जाएंगे, जब ये गिरेगा तो इसको आपको इस तरीके से बनाना है। स्टूडेंट्स, अब बारी है इसको कलर करने की, हम इसमें कलर करेंगे। ओके, एक तरफ से कलर करते जाएंगे पूरा। स्टूडेंट्स, हमारा ज्वालामुखी बनके तैयार हो चुका है। अब हम बताएंगे कैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, कैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब हम उसमें पाउडर डालेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे इसमें निकल रहा है। देखिए, ये लावा ऐसे निकलता है, सेम ऐसे ही लावा निकलता है और ज्वालामुखी उद्गार होता है। देखिए, इस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार होता है और ये लावा धीरे धीरे बहुत ही गर्म तप्त लावा ज्वालामुखी उद्गार में ऐसे निकलता जाता है। देखिए, आपके सामने है इस तरीके से। ये एक वर्किंग मॉडल है ज्वालामुखी का, एक वर्किंग मॉडल है। ओके, इस तरीके से उद्गार होता है।